ओम शांति। कई योगी आत्माएं मुझे कहती हैं कि हमें सकाश सेवा देना नहीं आता। आइए इसे आज बहुत सहज कर देते हैं। सकाश देने के लिए हमें अपना सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर, या फिर जिसे बाबा फरिश्ता स्वरूप कहते हैं, उसे इमर्ज करना होता है। सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर में स्थूल शरीर के अंदर समाया हुआ होता है, लाइट का बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर। और आत्मा जब शरीर त्याग करती है, इसी सूक्ष्म शरीर के साथ ही बाहर निकलती है। अगर आप इसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को जैसे मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, जो स्वरूप आपको अपना दिखाई देता है उसी स्वरूप को इमर्ज कीजिए। व्हाइट ड्रेस पहन लीजिए, वो भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, जो भी शरीर आपको दिखता है दर्पण में, बस उसी शरीर को आप इमर्ज कीजिए। अब उड़ चलिए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा को अपने सम्मुख देखिए, ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं। अब उनसे दृष्टि लीजिए, देखिए उनके नैनों से आपके सूक्ष्म शरीर में और आत्मा में लाइट आकर भर रही है, शक्तियां भर रही है। अब हाथ में एक लंबी सी पाइप ले लीजिए, मोटा सा लंबा सा पाइप, बहुत लंबा पाइप, कुछ इस तरह का पाइप हो जैसे आप जिससे अपने पौधों को पानी डालते हैं, बस वैसा कुछ एक पाइप ले लीजिए हाथ में। और देखिए बाबा की शक्तियां, परमात्मा की शक्तियां उस पाइप में भर रही है, ब्रह्मा बाप के नैनों के द्वारा, अर्थात बाप दादा दोनों उस पाइप में लाइट माइट भर रहे हैं। अब उस पाइप को हाथ में लेकर चलिए नीचे। अब जहां पर भी आपको शक्ति देनी है, सकाश देना है, वहां जा सकते हैं। आज हम चलते हैं विश्व ग्लोब के ऊपर। विश्व के ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाइए, हाथ में वो पाइप रखिए जिसमें बाप दादा ने लाइट माइट भरी है। अब उस पाइप को, पाइप से आप इस तरह से शक्तियों की बरसात कीजिए जैसे आप अपने पौधों पर पानी की बरसात करते हैं, अर्थात पानी आप अपने पौधों पर जैसे पाइप से देते हैं, बस उसी तरह का सीन इमर्ज कीजिए। बस पानी की जगह किरणें निकल रही हैं, लाइट निकल रहा है, और देखते देखते आप पूरे विश्व के ग्लोब के ऊपर बाबा की लाइट और माइट डालते चलिए, डालते चलिए। मैं पवित्र फरिश्ता,
परमात्मा शक्तियों को पूरे विश्व में स्प्रेड कर रही हूं, फैला रही हूं। उनकी शांति की शक्ति, जिसकी अभी पूरे विश्व को अति जरूरत है, आवश्यक है, वो शक्ति मैं अभी कोने कोने में फैला रही हूं, विश्व के कोने कोने में। युद्ध का सीन आप इमर्ज कर सकते हैं। बाबा ने अपनी सर्व शक्तियां दी है। मैं शांति दूत हूं, उनकी शांति की शक्ति हर एक आत्मा तक पहुंचा रही हूं। अशांत आत्माओं को शांति प्राप्त हो रही है। बाबा की सुख की लाइट, सुख की शक्ति को मैं दुखी आत्माओं को दे रही हूं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, सबको सुख प्रदान कर रही हूं। मैं मास्टर सुख सागर हूं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर में रहकर भी हर एक आत्मा को परमात्मा की रूहानी प्रेम की शक्ति दे रही हूं। बाबा के निस्वार्थ प्रेम की शक्ति, अथाह प्रेम की शक्ति, मैं उनके हर एक बच्चे तक पहुंचा रही हूं। मैं परमात्मा की अति प्रिय फरिश्ता हूं। विश्व के कोने कोने में उनकी शांति की शक्ति, रूहानी प्यार की शक्ति, सुख की शक्ति प्रदान कर रही हूं, फैला रही हूं इस लाइट माइट के पाइप द्वारा। सबको सुख और शांति दे रही हूं। जहां भी अशांति है वहां शांति की प्रकंपन फैला रही हूं मैं। जहां दुख है वहां सुख सागर की, सुख की शक्ति मैं दे रही हूं। और जहां उदासीनता है, जहां आत्माओं में कुछ कमी है, जहां डिप्रेशन है, उन आत्माओं को मैं बाबा की रूहानी प्रेम की शक्ति को बांट रही हूं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा काम है
परमात्मा की, शिव बाबा की लाइट और माइट को विश्व के कोने कोने में फैलाना। मेरे हाथ में उनकी लाइट माइट की पाइप है, मैं जब चाहे उनके सर्व शक्तियों को हर जगह फैला सकती हूँ, क्योंकि मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। इस तरह से आप जब चाहे तब सकाश सेवा कर सकते हैं, बहुत इजी। बस अपने आप को देखिएगा उस स्थान में, हाथ में बाप दादा से लाइट माइट की पाइप भर कर ले लीजिए। देखिए ऊपर से सूक्ष्म बतन से लंबी सी पाइप आकर आपके हाथ में है, और उस पाइप के द्वारा आप सर्व आत्माओं को सुख शांति की किरणें दे रही हैं। अपने नैनों से भी दे सकते हैं, अपने हाथ से भी दे सकते हैं, मस्तक से भी दे सकते हैं, और इस पाइप से भी दे सकते हैं। जो भी विधि आपको सहज लगे उसी विधि से दीजिए, परंतु दीजिए जरूर, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप फरिश्ता हैं, पवित्र फरिश्ता। और आपका काम है परमात्मा की किरणों को हर जगह फैलाना। ओम शांति शांति शांति।